सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईएससी क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं, 2023 बैच स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर क्लास 11 रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिलेबस। अभी तुम्हारा जो करेंटली जो लेटेस्ट सिलेबस है 2023 का जो सिलेबस है वो तुम्हें कैसे चेक करना है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हें क्या क्या चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है। सो आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिलेबस है उसके रिगार्डिंग सब लोग डिस्कस करते हैं, बट क्लास 11 के रिगार्डिंग नोबडी टॉक्स अबाउट क्लास 11, राइट? तो इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कैसे ऑफिशियल साइट से सिलेबस चेक करना है, बिकॉज तुम लोग में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने चेक किया होगा सिलेबस, लेकिन अभी तक तुम्हें सिलेबस ठीक से नहीं मिला होगा। तो सिलेबस कहाँ से कैसे चेक करना है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर तुम आईएससी क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वेल, तो क्लास 11 का सिलेबस तुम्हें कैसे चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ऑफिशियल साइट पे आना है, दैट इज cisce.org। उस पे आने के बाद यहाँ पर तुम्हें पब्लिकेशन सेक्शन पे जाना है। पब्लिकेशन सेक्शन में तुम्हारा जितना भी सिलेबस है सारा सिलेबस तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लास 11 का चेक करना है, तो फर्स्टली यहाँ पर रिवाइज सिलेबस फॉर 2023 दिया है, तुम्हें यहाँ पर नीचे आना है। यू हैव टू कम इन दिस पार्ट, यहाँ पर लिखा है रेगुलेशन एंड सिलेबस फॉर ICSE, उसके नीचे आफ्टर ICSE regulations and syllabuses for ISC दिया हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम देख सकते हो regulation and syllabus, यहाँ पर लास्ट वाला 2024 है, तो तुम्हें उस पर क्लिक करना है और 2024 वाला ही इस बार के स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होगा। बिकॉज अगर तुम 2023 वाला पे क्लिक करोगे, दैट इज़ सो वहाँ पर तुम्हारा जो भी चीज़ दिया हुआ है दैट इज़ नॉट ओपनिंग, PDF इज़ नॉट ओपनिंग, राइट? तो वहाँ पर एरर आ रहा है, तो तुम्हें 2024 वाला सिलेबस फॉलो करना है। 2024 वाला तुम सपोज, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, सपोज इंग्लिश का है, सो इट्स डाउनलोडिंग, यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश का डाउनलोड हो गया है सिलेबस, दिस इज़ फॉर क्लास 11। तो यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 दोनों दिया हुआ है, तुम देख सकते हो क्लासेस 11 एंड 12। यहाँ पर तुम्हें नीचे आना है, यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस दिया हुआ है प्रॉपर्ली, सिलेबस टू बी कवर्ड इन क्लास 11। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में क्लास 11 के लिए सिलेबस दिया है तुम्हें वही वाला फॉलो करना है। तो इस तरह से तुम यहाँ पर तुम्हारा टेम्पेस्ट का दिया है, ईकोस का दिया है, फिर रेवरी का भी दिया है, ऑल द थ्री बुक्स, तीनों बुक्स का दिया हुआ है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से तुम्हें क्लास 11 का चेक करना है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कौन सा सेक्शन था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज थे। मेनी स्टूडेंट्स वर सेइंग कि यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस इस बार काउंसिल ने वेबसाइट पर नहीं दिया है, तो वेबसाइट पर ऑलरेडी दिया हुआ है, यू हैव टू चेक इन 2024 सिलेबस। सो इन दिस वे यू विल गेट योर क्लास 11 सिलेबस फॉर ISC 2023। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज हाउ यू नीड टू चेक योर सिलेबस फॉर ISC क्लास 11 एंड सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशंस करना। क्लास 11 का सिलेबस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड, टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। सो इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली इन क्लास 11 देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन क्लास 12 ऑल्सो। और अगर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक नीट JEE, सो डेफिनेटली क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज सिलेबस पूरा कवर करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।